Welcome students to my YouTube channel Hashtag Team Prayas. Myself Pritosh Raj Pandey, and now I am going to start a very easy and very important topic for JEE Mains and Advanced and also Board, sequence and series. ठीक है, sequence and progression. तो हम लोग students start करेंगे. Class 11 का ये topic है जो कि बहुत ही easy topic है और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा अगर आप लोग पूरा video देखेंगे. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सीक्वेंस किसको बोलते हैं और सीरीज किसको बोलते हैं. ठीक है, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन होता क्या है. ठीक है, तो कोई भी नंबर का पैटर्न या फिर कोई भी टर्म्स का पैटर्न, जैसे कि कोई T1, T2, T3, T4, कोई चीज है जो क्या कर रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं. ठीक है, या फिर प्रोग्रेशन बोलते हैं. और प्रोग्रेशन तब बोलेंगे जब हम वो प्रोग्रेस कर रहा है ना, उस प्रोग्रेस को हम क्या कर रहे हैं, निकाल सकते हैं. ठीक है, जैसे कि हम T1 T2 वगैरह जानते हैं, T4 निकाल लें. ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं प्रोग्रेशन. तो वही होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको आप एपी जीपी एचपी के नाम से जानते हैं, वो आप इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. और ये सीक्वेंस सीरीज कब बन जाएगा, जब इनके बीच में क्या होता है, सम बन जाएगा. ठीक है ना, सीक्वेंस विल टर्न इनटू सीरीज. ठीक है, कब, जब इनके बीच में क्या लग जाएगा, एक साइन लग जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समेशन बोलते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे. तो ये मान लो क्या है, सीक्वेंस है, T1 T2 T3 T4 Tn सीक्वेंस है. ठीक है, तो इन सम का सम हमको मालूम है, Sn. Sn क्या हम लोग बोलेंगे, सम ऑफ सीक्वेंस. जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसके nth टर्म का क्या है, सम है. अगर हमको सम मालूम है, ठीक है ना, Sn मालूम है इन टर्म्स ऑफ n, तो हम लोग कोई भी टर्म बता सकते हैं कि वो टर्म का n के फॉर्म में क्या होगा कम से. ठीक है ना, उसके लिए क्या होता है, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1. ठीक है, हमको अगर Sn मालूम है, सम ऑफ इन टर्म्स इन फॉर्म ऑफ क्या, n, मतलब n वेरिएबल हो, तो क्या Sn माइनस 1 नहीं निकालोगे, आराम से निकाल कर लेना. जैसे तुमको Sn मालूम है 2n+1, तो Sn माइनस 1 नहीं निकालोगे, 2 n की जगह क्या रखोगे, n माइनस 1 प्लस 1, सॉल्व कर लेना इसको. तो Sn मालूम चल गया, Sn माइनस 1 मालूम चल गया, और दोनों का डिफरेंस जो आता है वही क्या होता है, Tn होता है. Tn क्या होता है, nth टर्म, कि nth टर्म क्या होगा. ठीक है ना, तो रुको, इसे दिया हुआ है 4n2+3n, तो हमको इजीली निकालना है, क्या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा. मतलब कि देखो, दिया जाएगा कि देयर इज अ सीक्वेंस व्हिच सम ऑफ nth टर्म इज 4n2+3n, देन फाइंड इट्स थर्ड टर्म. ठीक है ना, आपको सीक्वेंस का कोई जानकारी नहीं है, बस मालूम है कि सीक्वेंस, इस तरह का क्वेश्चन हिंदी में बहुt बार आता है. तो आप क्या करेंगे, फार्मूला लेंगे, Tn इज इक्वल टू Sn, Sn माइनस 1, क्या इस पर सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 4n2+3n माइनस, ये देखो 4n माइनस 1 निकालना है, जहां जाएंगे वहां वहां क्या डालेंगे, n माइनस 1 डालेंगे. ठीक है ना, Tn माइनस 1, इसको सॉल्व सॉल्व नहीं, इसको सॉल्व सॉल्व करें, लास्ट में Tn निकालोगे n के टर्म्स में, तो n की जगह क्या डाल देना, 3 का आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो 3 निकालो, मैं डायरेक्ट आंसर तुम्हें पहुंचाऊंगा, तुम लोग क्या करना, इसको बना लेना. ठीक है, आंसर आता है 23. ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एपी किसको बोलते हैं. ठीक है, एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो आपको तीन नोटेशन अभी तो मैंने बताया है, Sn Tn. ठीक है, Sn Tn दो ही नोटेशन बताया है. Sn क्या होता है, सम अप टू nth टर्म, Tn क्या होता है, nth टर्म है क्या. तो ऐसा सीक्वेंस जिसका Tn और Tn माइनस 1 का जो डिफरेंस हो वो कांस्टेंट है. ठीक है ना, कांस्टेंट है, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं कि कॉमन है. ठीक है, और कॉमन है, और क्या कॉमन है, डिफरेंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस. और क्या है, छोटा डी से रिप्रेजेंट होता है. ठीक है, एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन है. तो द सीक्वेंस हुज डिफरेंस बिटवीन nth टर्म एंड nth माइनस टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट ऑलवेज कॉमन इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट 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 इंफिनिटी तक. ठीक है, क्या एक अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस में है, जी हाँ है.
क्या हूँ क्योंकि क्या कर रहा है, ये देखो तो 3 - 1 2 5 - 10 2 7 - 2 इसका मतलब कि एक बेटा और फॉलो कर रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है, जिसको हम क्या बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, tn माइनस tn माइनस 1 क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट होना चाहिए। tn क्या है nth टर्म, tn माइनस 1 n माइनस 1 टर्म, ठीक है, मतलब tn की जगह 4 रख के चौथा टर्म माइनस तीसरा टर्म, वैसे पांचवा टर्म माइनस चौथा टर्म, हम इसे कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, ऐसा नहीं कि सातवां और आठवां का डिफरेंस लेना, ठीक है, वो सब प्रॉपर्टी है बताएंगे, ठीक। तो हम क्या करते हैं, अब एक में कुछ जनरल नोटेशन होता है उसको जान लेंगे, जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग स्मॉल पी से जनरल इग्नोर करते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है, और ए क्या रिप्रेजेंट करेगा कितना नंबर ऑफ टर्म है उसको, ठीक है, और डी क्या रिप्रेजेंट करेगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हम जनरल एफ लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पहला अगर ए टर्म है दूसरा क्या हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा क्या हो जाएगा ए प्लस टू डी, अगला क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री, ठीक है। देखो तो दूसरा टर्म है तो ए प्लस टू डी, ठीक है, ए प्लस डी आ रहा है, मतलब दूसरा है, तीसरा है तो ए प्लस थ्री डी आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर एनवा होगा तो क्या आएगा ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ से डायरेक्टली तुम ये लॉजिक ये क्रोनोलॉजी देख के समझ जाते हो कि जो एंथ टर्म होता है वो क्या होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। चलो रिप्लाई करते हैं दूसरा टर्म से, टी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस टू माइनस वन इन टू डी, तो कितना हो जाएगा ए प्लस डी, क्या देखो ऐसा नहीं है क्या, जी हाँ ऐसा ही है, इन रखो तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी, हाइट रखो तो क्या कितना हो जाएगा ए प्लस फोर डी, पाँचवा टर्म देखो एक दो तीन चार पाँचवा टर्म जो आएगा वो क्या आएगा ए प्लस फोर डी है। तो दिस इज कॉल्ड ए डी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस तरह के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और देखो ए डी में एक और चीज होता है कि जो लास्ट टर्म होता है लास्ट टर्म उसको या तो तुम डी एन से रिप्रेजेंट करो या फिर एल से रिप्रेजेंट करो, तो लास्ट टर्म कौन था एन टर्म है जो सीक्वेंस में, तो लास्ट टर्म यही होगा, तो इसको एन से या फिर ए प्लस एन माइनस वन डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई ए पी है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस फोर डी, इधर कहाँ तक जाएगा एल तक जाएगा, ठीक है, एल इससे पहले क्या होगा एल माइनस डी, इससे एल माइनस टू डी एल माइनस थ्री, ये देखो तो इसका और इस लास्ट वाले का स्वर, मतलब तुमको क्या करना है इधर से फर्स्ट टर्म और इधर से फर्स्ट टर्म, एक बार लेफ्ट से फर्स्ट टर्म एक बार राइट से फर्स्ट टर्म दोनों का सम ए प्लस एल, फिर लिए इधर से राइट टर्म इधर से लेफ्ट इधर से राइट, ये भी क्या हो जाएगा ए प्लस एल, ये भी करो तो ये भी क्या हो जाएगा ए प्लस, इसका मतलब कि ए भी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें द सम ऑफ टर्म फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट फ्रॉम एल एच एस एंड आर एच एस इज ऑलवेज और कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू ए प्लस एल, वो कितने के बराबर होता है ए प्लस एल, ये कॉन्स्टेंट डिफरेंस होता है। इस प्रॉपर्टी में क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि मैं क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा कैसे प्रॉपर्टी काम आता है, तो इसलिए आपको क्या करते हैं फोकस करा दिए, ये बात आपको देख के नहीं मालूम चलता है, इसलिए हमने आपको क्या कर दिया दिखा दिया आपके सामने। और ओके तो इसका मतलब क्या है टी आर प्लस टी एन माइनस आर प्लस वन कॉन्स्टेंट किसके बराबर आएगा ए प्लस एल के बराबर, ठीक है ना, ये वही बात पूछा हुआ है। तो इधर से क्या कर रहे हो फर्स्ट टर्म है और एक बार तुम क्या करो कैसे इनको नीचे से लिखो, ठीक है ना, इधर से लिखो l plus l minus d l minus 2d plus l minus 3d, देखो तो ये क्या बनेगा a plus l, ये a plus d है और l minus d है, ये बनेगा a plus l, इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा 2sn, और इधर जो सब टर्म ऐड होगा और n है तो n a plus n, यहां तक इसको दिक्कत नहीं होना चाहिए हमको लगता है। तो sn इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ जाएगा n by 2 a plus, और देखो एल का फॉर्मूला क्या जानते हो ए प्लस एन माइनस वन डी, यहाँ से तुम्हारा ए प्लस एन माइनस वन डी रख दो एन बाई टू, ये हो जाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये तुम्हारा सम ऑफ एन का फॉर्मूला है। तो टी एन का फॉर्मूला तुमको बता दिए, एस एन का फॉर्मूला बता दिए। अब देखो टी एन एस एन में क्या अंतर है, थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना कि टी एन भी देगा डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस पूछेगा, तो तुम देख के बता सकते हो, वैसे तो तुम टी एन और टी एन माइनस वन का डिफरेंस निकाल सकते हो, वही कॉमन डिफरेंस होता है। लेकिन अगर मान लो एक्सप्रेशन क्यूबिक हो, ठीक है, इस बात को समझ रहे हो, देखो मान लो एक्सप्रेशन कुछ
खतरनाक देखिए एन क्यू क्रॉस थ्री एन स्क्वायर ऐसा कुछ दे दिया तो दिक्कत हो जाएगा ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे उसके लिए सिंपल चीज देखेंगे तो टी ए मेरा क्या होता है ए प्लस ए माइनस वन डी ठीक है ना। तो टी एन यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस एन डी माइनस एन यहाँ से ए माइनस एन प्लस एन डी तो देखो तो इसको लिख सकते हैं ए डी प्लस बी यानी ए क्या है सॉरी ए एन प्लस बी यानी ए क्या है ए ही क्या है कॉमन डिफरेंस है इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस इसका मतलब कि जो n का कोफिशिएंट होता है tn में वही क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है ठीक है। फिर b का यहां तो क्लियर sn को भी तुम ऐसे क्या करो इसको भी ऐसे ही एक्सपेंड कर लो देखो कुछ निकलेगा sn को एक्सपेंड कर जाओगे तो पर होते हैं कोई कोई प्रश्न में सुन ली सो सॉल्व करोगे तो तुमसे कोई आंसर ये हो जाएगा तुम्हारा n ने ये हो जाएगा तुम्हारा d / 2 n स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो n कॉमन ले लो क्या बचेगा a माइनस b बाई टू और यहाँ पे हो जाएगा d बाई टू इनटू n स्क्वायर देखो तो जो n इसको लिख सकते हैं a इनटू n स्क्वायर प्लस b इनटू n तो ये मान लीजिए जो a n स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया है d बाई टू इसका मतलब दो से गुना करा देंगे a n स्क्वायर का कोफिशिएंट में तो वही क्या होता है तुम्हारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो कभी कभी क्या होता है sn दिया रहता है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में tn दिया रहता है लीनियर के फॉर्म में और क्वाड्रेटिक पूछा है कॉमन डिफरेंस क्या होगा तो tn में मैंने क्या बताया कि जो इनका कोफिशिएंट होगा वही कॉमन डिफरेंस होगा और sn में क्या बताया क्वाड्रेटिक में जो कोफिशिएंट रहेगा उसको क्या करो ट्वाइस करो वही क्या आ जाएगा तुम्हारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा ठीक है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा अरे ये प्रॉपर्टीज ऑफ ap ap का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है ठीक है बहुत सारा है कुछ कुछ देखेंगे देखो कभी भी अगर a1 a2 a3 तो इन द ए सीक्वेंस ap में दिया होगा ठीक है और इससे कॉमन डिफरेंस जो है वो d है नीचे मानते हैं नीचे कॉमन डिफरेंस ये था ठीक है। तो इसमें हम कुछ चेंज करा दिए क्या चेंज करा दिए सब कर्व को k से मल्टीप्लाई करा दिए ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा अब जो इसका कॉमन डिफरेंस होगा उसको हम dl मान लिए तो साफ बात है कि k कैंसिल हो जाएगा तुम खुद सोचो ये दो है पाँच है ठीक है इसमें तीन से मल्टीप्लाई करा दिए इसमें तीन से पहले कॉमन डिफरेंस तीन था अब कॉमन डिफरेंस सिक्स और ये हो गया क्योंकि नाइन हो गया देखो इसमें तीन से मल्टीप्लाई हो गया कॉमन डिफरेंस इसका मतलब कॉमन डिफरेंस पहले डी आई का तो अब के टेंस डी ए ठीक है। दूसरा क्या है इसी का ये वन का ए बी क्या है कि तुम सारे टर्म में क्या कर रहे हो के से सॉम कर लो के का स्क्वायर कर लो सॉम कर लो ठीक है इसमें क्या होगा तुम्हारा कॉमन डिफरेंस पहले डी आई था तो अभी भी डी आई का क्योंकि डिफरेंस भी के क्या होगा कैंसिल हो जाएगा ठीक है। और तुम क्या कर सकते हो तो सारे टर्म का क्या कर दो के पावर वन ठीक है ठीक है। तो ये इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं ठीक है ये मे भी ए पी में हो भी सकता है मे और मे नॉट इन ए पी ठीक है ना जरूरी नहीं है ए पी में होगा ठीक है ना ये सब जितने में पक्का हो ठीक है तो मल्टीप्लाई कर दोगे फिर क्यों समय क्या कर दो क्यों में कैसे समय क्या कर दो ऐड कर दो लेकिन तुम के पावर जैसे ही करते हो तो ये जरूरी नहीं है कि ये एपी में होगा या नहीं होगा ठीक है। वैसा ही चौथा एक और तीन प्रॉपर्टी हो गया तीन प्रॉपर्टी में एक के अंदर तीन कैटेगरी है दूसरा प्रॉपर्टी है दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि एक एपी है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर आर इन ए पी एक अलग सीक्वेंस है दूसरा सीक्वेंस क्या है कि बी वन बी टू बी थ्री बी फोर ये अलग एपी में है दोनों का जो सॉम चाहे डिफरेंस दोनों का सॉम या फिर डिफरेंस बी क्या होगा एपी में होगा दोनों का सॉम या फिर डिफरेंस भी क्या होगा एपी में होगा ये डिफरेंस है आई सो कॉमन डिफरेंस और क्या होगा डी इज इक्वल टू डी वन प्लस माइनस डी टू ठीक। अब देखो यही कोई तुमको पूछे कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाला फिर से वही बात मे और मे नॉट बी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एपी में हो जाए कभी कभी ऐसा भी होगा कि एपी में नहीं होगा तो मे नॉट बी मे और मे नॉट बी ठीक है ना ऐसा होगा कि कभी एपी में हो जाए ऐसा भी हो सकता है कि कभी एपी में ना हो ठीक है ना ये कंडीशन कुछ भी करता है ठीक है। स्पेशल बढ़ गया है कि ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन ए एट ए नाइन ए टेन सब क्या है एपी में और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है डी आई तुमसे कोई पूछे कि ए फोर कोई भी टर्म लीजिए कंटिन्यूटी और इंटरवल सेम होना चाहिए जैसे ए फोर ले लिए इसके बाद ए सेवन ले लेंगे उसके बाद क्या लेंगे ए टेन लेंगे तो दोनों छोड़ के ठीक है तो ए फोर ए सेवन ए टेन क्या ये भी एपी होगा हाँ एपी होगा और क्या इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा तो इसका कॉमन डिफरेंस जो इनिशियल कॉमन डिफरेंस है उसमें क्या करेंगे इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब कितना इंटरवल छोड़ के हम क्या कर रहे हैं टर्म ले रहे हैं ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गया तुम्हारा ये सब प्रॉपर्टी क्या आता है क्वेश्चन में काम आता है ठीक है ना ऐसे आपको लगेगा कि ये सब चीज़ क्या है ऑब्जर्व करेंगे तो ही मालूम चलेगा
तो ये ऑब्जर्वेशन जो है लेकिन क्वेश्चन भी आता है बहुत काम आता है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी क्या है कि कोई ए टर्म है, ये ए प्लस बी है, सम ए प्लस थ्री डी है, ए प्लस फोर डी है, ए प्लस टू डी, ए प्लस फाइव डी, ए प्लस सिक्स डी, ए प्लस सेवन डी और ए प्लस एट डी, ए प्लस नाइन डी। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर्टी क्या है ए ए प्लस बी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ठीक है, ऐसे ए प्लस नाइन डी। तो जो आर टर्म है वो आर प्लस के प्लस आर माइनस के अपॉन में डिवाइड होता है। ठीक है, यानी आर के जो है वो आर से अपॉन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक, जैसे कि तुमको मान लो ए प्लस फोर डी है, ए प्लस फोर डी इधर तो क्या करो आर माइनस के इधर तीन टर्म पीछे जाओ, एक दो तीन, तीन टर्म पीछे जाओ क्या जाएगा ए प्लस जी, इधर तीन टर्म आगे जाओ, तीन टर्म आगे जाओ तो क्या तुम मिलेगा, तो फाइव सिक्स सेवन मिलेगा, ए प्लस सेवेंटी बटा में टू कितना हो जाएगा, टू ए प्लस एट डी अपॉन में टू, क्या ये चौथा टर्म, ए प्लस फोर्टी नहीं आ रहा है, ए तो डी आ रहा है, तो कोई भी हम डी आर को चाहें इतना टर्म आगे जाओ इतना टर्म पीछे जाओ दोनों को सम करो बाई टू कर दो तो क्या आ जाएगा वो वाला टर्म डी है। ये प्रॉपर्टी बहुत सारे क्वेश्चन में यूज आता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि टर्म कैसे हम टर्म मानते हैं एपी में। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एपी वाले क्वेश्चन में आपको टर्म मानना पड़ता है। ठीक है, जरूरी है तो टर्म मान के क्वेश्चन बने, लेकिन टर्म मानने से क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटर वाला एरिया वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटर का जो साइड से वो क्या है एपी में, तो हम क्या करेंगे तीन टर्म जब भी एपी में हमको मानना होगा तो सबसे पहले क्या होता है ए माइनस डी प्लस डी मानो, इजीली बन जाता है, इजीली सॉल्व हो जाता है। वैसे पांच टर्म मानना होगा तो कहोगे तीन के बाद चार के नहीं पहले पांच में ले लिया, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है दोनों में लॉजिक होता है, दोनों में सिमिलरिटी होता है। जैसे तो इसमें क्या मानो ए ए प्लस डी ए माइनस डी, इसमें बस क्या करो टू प्लस टू डी माइनस डी और दो टर्म ऐड करो तो पांच हो जाएगा। चार टर्म कैसे होता है, तो चार में एक दो तीन वाला रहेगा और जो दो टू बेसिक होता है ए प्लस डी ए माइनस डी। छह टर्म को हम मानते हैं ए माइनस फाइव डी, इसका एक अपोजिट आएगा ए प्लस फाइव डी, फिर ए माइनस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस डी ए माइनस डी, तो रहेगा रहेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं एपी में टर्म मानते हैं। तीन टर्म मानना हो तो ए माइनस डी ए ए प्लस डी, पांच टर्म तो ए माइनस टू डी, फिर इसका प्लस वाला ये तीन जो है तीन दो पांच हो जाएगा। वैसे चार टर्म मानना हो तो ए माइनस थ्री डी ए प्लस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी, छह टर्म मानना हो तो ए माइनस फाइव डी ए प्लस फाइव डी ए माइनस थ्री डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस डी ए माइनस डी। ठीक है, जैसे कि हम तुमको एग्जाम्पल दिखाते हैं कि जो टर्म है वो कहाँ यूज करता है, टर्म मानना जो होता है वो कहाँ यूज करता है। टर्म पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं इन एंगल। हाँ, इसको हम देखते हैं कि कैसे टर्म वाले क्वेश्चन करते हैं, टर्म मालूम होने से क्या फायदा होता है। देखो क्या करते हैं, एंगल ऑफ क्वाड्रेटर इज इक्वल टू मोमेंट डिफरेंस इज 10 डिग्री एंड फाइंड एंगल। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटर एबीसी के हमने क्या कर लिया, इसके एंगल्स, इसके एंगल्स क्या है एपी में है। ठीक है, तो मैंने चार एंगल मान लिया ए प्लस थ्री डी ए माइनस थ्री डी ए प्लस डी ए माइनस डी। हाँ ठीक है, चार एंगल मान लिया। अब चारों टर्म का सम ढूंढते हैं कि एंगल सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रेटर 360 होता है, तो सबका सम करेंगे तो 360 कैंसिल, 360 कैंसिल तो कितना आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 90 तो आ गया। अब हमको क्या चाहिए d मान, मोमेंट डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों कोई भी दो टर्म का डिफरेंस लो। ठीक है, याद रहे हम सीक्वेंस में ऐसे ही सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है, मैं ऐसा में इसको इधर इसको इधर लिखेंगे, जब तुम कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो यहां से कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 भी आ जाएगा, 2 भी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10, t इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो एंगल निकल जाएगा a ये हो जाएगा 90 माइनस 15 ये हो जाएगा 75 ऐसे सब निकल जाएगा, चारों एंगल निकल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।